बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करते हुए ठाक होंगे। मैं हूँ मावरा किरण और मैं लाई आज आपके लिए इनक्रेडिबल का जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की थी ना उनका हेयर स्टाइल लाई हूँ। ये आप देख सकते हैं इनकी फ़ाइनल लुक। और मैं सॉरी भूल गई थी कि उसमें फ़ाइनल लुक ऐड करना, वो जो मेरा ट्यूटोरियल गया है इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने की है उनका ट्यूटोरियल गया है, तो मैं भूल गई थी उनका जो फ़ाइनल लुक था दिखाना उसके अंदर। तो बस इंसान है, भूल जाता है। आज तो मेरी बिल्कुल तबीयत सही नहीं है, पता नहीं रात को दवाई लेके आई हूँ, बस वो खाई है, उसके बाद तबीयत सही नहीं हुई, उल्टा ख़राब हो गई है। तो जिस्म में ऐसे है कि बस जान नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करनी थी तो इसलिए ज़रा कोऑपरेट कीजिएगा। आवाज़ मेरी कम आएगी आपको, फिर भी कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सही बोलूँ, ठीक है। और सबसे पहले मैंने ना इनके जो मेरी स्टूडेंट थी वो बना रही थी पहले, फिर मैंने कहा आप पफ मैं ख़ुद बनाऊँगी, फ्रंट से वो नहीं बन रहा था इनसे ना, तो मैंने कहा मैं इनके फेस पे ना पफ सूट करना था, वो भी मतलब लेयरिंग पफ। अच्छा, इनके हाइलाइट्स हुए होते तो प्रोमिनेंट होते सब कुछ, तो हाइलाइट्स पे तो ये है कि बस सिंपल सा भी पफ बना दें और हाथ से क्रिएट कर ले लाइनिंग, इनविजिबल मतलब इनविजिबल कह रही हूँ, ज़रा थोड़ा सा विजिबल कर लीजिएगा तो नज़र आने लग जाती हैं। और जिन पे हाइलाइट्स नहीं हुए होते तो उन पे प्रोमिनेंट कुछ भी नज़र नहीं आता इतना, ठीक है। तो जस्ट ये मैं आपको, मैंने स्पीड तेज़ नहीं की क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि आप ही आप हेयर स्टाइल में स्पीड मत तेज़ किया करें, तो मेरी जान मैं नहीं कर रही। अच्छा जी, बैड कमेंट इसी ट्रांसफॉर्मेशन पे मुझे आया कि आपने मेकअप तो हाथों से कर लिया है काशिश की तरह, लेकिन फिनिशिंग आपसे नहीं आई। किस चीज़ की मेरी जान फिनिशिंग नहीं आई? हाँ जी, कैमरे मेरे पास फिनिशिंग वाले नहीं हैं, मेरे पास कैमरा सिंपल है मेरी जान, मैं जो सच है वो दिखाती हूँ, ठीक है। फाइन लाइंस हम छुपा नहीं सकते, बहरहाल हम ब्यूटी को इन्हेंस करते हैं, हम कोई सर्जन नहीं है, हम एक ब्यूटिशियन हैं। और ब्यूटिशियन का काम होता है कि एक चीज़ को इन्हेंस करना, मतलब ब्यूटी को बढ़ाना थोड़ा सा। तो मतलब मेकअप आर्टिस्ट किसे कहते हैं, ये है कि हम किसी चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। और मेकअप कोई ऐसी चीज़ नहीं है, दुनिया जहान का आप मेकअप ले आएँ उससे फाइन लाइंस गैब नहीं होंगी, जस्ट ये है कि हाइड हो जाएंगी, लेकिन ये है कि बिल्कुल भी मतलब इतनी भी नहीं है कि वो बिल्कुल छुप जाएं, ठीक है। कुछ ना कुछ तो नज़र आता है ना। तो प्लीज़ बैड कमेंट मत किया कीजिए मेरी जान, मैं आप लोगों से प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे प्यार दीजिए। तो इस चीज़ से परहेज़ कीजिएगा, किसी को डिसहार्ट नहीं करती, इतनी मेहनत से एक वीडियो बनती है, बच्चों के साथ घर के काम के साथ, कोई मेड सही से मुझे नहीं मिलती, मैं घर के काम खुद करती हूँ, और वैसे भी मेड वगैरह वो काम नहीं कर सकती जो मैं खुद करती हूँ मेरी जान। प्लीज़ ऐसे बैड कमेंट मत किया कीजिए और हौसला अफज़ाई किया कीजिए, जो मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं जो मुझे हौसला देते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हेयर स्टाइल बन रहा है, तो प्लीज़ आप मेरी वॉइस भी सुन लीजिए, मेरे दिल का दर्द सुन लीजिए। आप नहीं सुनेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि आप मेरी फैमिली की तरह है मेरी जान। प्लीज़ मुझे ना ऐसे बैड कमेंट्स मत किया कीजिए कि किसी का दिल डिसहार्ड हो, ठीक है। तो आइंदा ख्याल रखिएगा, मैं किसी का मुकाबला नहीं करी। काशिश सर की बात तो कुछ और है, हम उनकी तरह बन सकते हैं ना, उनकी तरह हम अफोर्ड कर सकते हैं ना, हम उनकी तरह कैमरे ले सकते हैं। जो बात सीरियस है मैं आपके सामने रख देती हूँ, मेरी आदत नहीं है फेक चीज़ें दिखाने की ना फ़िल्टर लगाने की। फ़िल्टर हर कोई डाउनलोड करके मतलब फ़िल्टर में वीडियो बना सकते हैं मेरी जान, लेकिन मैं फ़िल्टर में नहीं बनाना चाहती, जो रियलिटी है जो सच है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ मेरी जान। तो प्लीज़ आप ना मेरे से कोऑपरेट कीजिए और इस तरीके से बैड कमेंट मत कीजिए कि आपने हाथों से तो मेकअप कर लिया काशिश की तरह, लेकिन फिनिशिंग नहीं दी मेरी जान। उनकी फिनिशिंग उनके कैमरों की वजह से आती है, जो उनके इतने अच्छे वाले कैमरे हैं कि हमारी पहुंच से दूर है ना, हम आम इंसान हैं, मैं आम बंदी हूँ और मैं आप लोगों के लिए घर में रह के मेहनत करती हूँ, आप लोगों के लिए करती हूँ। चले आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाए, जो मेरे बिगनर्स हैं जिन्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, मेरा जस्ट वीडियो बनाने का यही मकसद है, ठीक है। अगर आप लोग मुझे ऐसी बातें करेंगे तो फिर मेरा दिल कहाँ करेगा वीडियो बनाने का, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए इन चीज़ों को। और जो मेरे जो मुझसे प्यार करते हैं वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, बहुत ज़्यादा, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। हाँ, देर सवेर हो जाती है मुझे रिप्लाई करने में, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जल्द रिप्लाई करूँ, बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से, बच्चों को संभालना होता है। आपको पता है एक बच्चा नहीं है मेरे, माशाल्लाह से चार बच्चे हैं,
तो मुश्किल हो जाती है, ठीक है। और आज तो वैसे मेरी तबीयत सही नहीं है, फिर भी खींच खींच के मैं बोल रही हूँ, मुझे सांस चढ़ रहा है। और इस वजह से कि मैंने बस टैबलेट ऐसी खाई है कि सुकून वाली है, लेकिन सुकून कैसे मिल सकता है मेरी जान मुझे। मैंने वीडियो अपलोड करनी होती है, घर के काम सारे करने होते हैं, बच्चों को संभालना होता है, बस इसी वजह से। निकी जी जिंदड़ी है दुख हज़ारा ने, कैसे करिए काम। बस आप लोगों से दुख शेयर कर लेती हूँ तो दिल को सुकून मिल जाता है। या अल्लाह सब पे रहम कर। अच्छा जी, जो बैड कमेंट्स करते हैं अल्लाह उन्हें भी हदायत दे। तो जनाब ये देख सकते हैं, ये मैंने जो इन्हें जूड़ा लगाया था जनाब, मैंने आपने वीडियो पे गौर करना है, मेरी वॉइस पे भी करना है, क्योंकि मैं आपके साथ ही दर्द शेयर करूँगी ना अपना। तो मुझे ये भी कमेंट मत कीजिएगा कि आपने समझाया नहीं, अपने बातें की हैं मेरी जान, आपको नज़र तो आ रहा है ना। तो म्यूज़िक तो लगाते हैं लोग, लेकिन मैंने वॉइस कर दिया आपके साथ। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं कि मैं मतलब मेरी स्टूडेंट बना रही है, सॉरी, मैंने जस्ट पफ बनाया और मैं चली गई थी बाहर, ज़रा मेरे हस्बैंड मुझे बुला रहे थे तो मैं चली गई थी। तो मेरी ये स्टूडेंट ने बनाया है स्टाइल बैग से जुड़ा जो बन होता है, बहुत इजी है, बहुत आसान है ये, ठीक है। आपने मतलब ट्विस्ट करना है बालों को, थोड़ा सा सेक्शन, छोटा सा सेक्शन उठाना है, ऐसे बल देने, जैसे रस्सी को बल नहीं देते, बिल्कुल उसी तरीके से बल देने हैं। और इतना कोई ईजी है ना, कोई बच्चा भी इस स्टाइल को देखेगा वो बना लेगा। और इतना हसीन लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। उफ़ नहीं बोला जा रहा मुझसे। तो आपने इस तरीके से इसे करके पिने लगा देनी है जनाब। हमारे पास ना पिने, जुड़ा पिने ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है। मैं ज़्यादातर वैसे भी मैं खुद इसी से अप्लाई करती हूँ, इसी को ज़रा खोल लेती हूँ फ्रंट से, ठीक है, और ऐसे लगा देती हूँ। लेकिन ये मेरी स्टूडेंट ना रही थी, इन्हें ज़रा प्रॉब्लम हो रही थी, और इन्होंने सही से दिखाया भी नहीं है क्योंकि मैं चली गई थी बाहर। तो जब मैं आऊँगी मैं आपको दिखा दूँगी तो ये किस तरीके से बनेगा। मतलब नज़र तो आपको आ ही रहा है कि बल देने। ये देखें अब कैमरा बंद कह रहा है और मोबाइल इन्होंने कहाँ किया हुआ है, बस यही तो मसला है यार। लेकिन आपको समझ आ गई ना किस तरीके से इसे बनाना। आगे चल के मैं खुद कैमरा सही कर दूँगी, मैं आ जाती हूँ फिर। मैं इनका कैमरा सेट कर दिया था मैंने। ये देखें इस तरीके से आपने ना मतलब ऐसे बल देने, बल दे के ऐसे फ्लावर की तरह इसे इकट्ठा करना है और पिन लगा देनी है। वो भी जो इतनी ज़्यादा खुली होती है वो नहीं आपने लेनी जुड़ा पिन, ठीक है। आपने थोड़ी सी जो चौड़ी होती है ना, मतलब थोड़ी सी होगी वो चौड़ी, तो वो आपने ले लेनी है, वो उससे आराम सुकून से आपका जुड़ा बनेगा। और छोटी पिन लेनी है, बड़ी नहीं लेनी है आपने, ये ध्यान रखना है। जब भी आप मैसी बन बनाएं या बन वगैरह बनाएं, इसमें ये जो हमारा जो स्टफिंग है, ये हमारी जो डूनट है जो हमने लगाया, जूड़ा कहते हैं, डूनट कहते हैं, कुछ भी कह लें आप, इसमें ना जो छोटी पिन होती है ना वो आसानी से लग जाती है, क्योंकि एक पिन थोड़ी लगनी होती है, इतनी पिनें लगनी होती हैं, एक दो तीन, जितने हम वो बनाएंगे तो फूल वगैरह उतने ही पिनें लगेंगी। आप कुछ भी अपने आइडिया से कुछ भी इस तरीके से स्टाइल बना सकते हैं। ये जस्ट मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, और मेरे स्टूडेंट ने मुझे बना के दिखाया था, मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने कहा चलें आप ना बना दीजिएगा, तो मैं ना बाहर हो आती हूँ ज़रा। अच्छा जी, ये देख सकते हैं आपने अच्छे तरीके से ना इसे, ये देखें मैं आ गई। सबसे पहले आते मैंने कैमरे को देखा कि जनाब इन्होंने कैमरा कैसे किया होगा। तो यहाँ से भी मैंने कहा पिने लगाएं, यहाँ से सही नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने कहा इन्हें यहाँ पे पिन लगा देंगे, इनसे लगी नहीं थी सही तरीके से। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपने बल देना, जैसे हम रस्सी को बल देते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपने बल देना है। ये देखें यहाँ से मैंने स्पीड थोड़ी तेज़ कर दी ताकि आपको समझ तो आ गई है ना, समझने के लिए इशारे काफ़ी होता है। तो प्लीज़ जो मुझसे प्यार करते हैं ना, वो हमेशा मुझसे प्यार करें, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मुझे इतना प्यार देते हैं। और मोहम्मद आयान के नाम से जो आईडी है, मुझे इतना प्यारा लगा जब उन्होंने मुझे कहा मैजिक क्वीन, आई लव यू ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। अच्छा जी, यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ना इन्होंने किया है, सभी ऐसे टोटल आपने इसी तरीके से ना बना लेने हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से, ये बन आपने भी बना लेना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपको पता है, साजी कह रही हूँ, शादी का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए मेरी जान, आपसे इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा एक दिन, ठीक है। हमने यहाँ पे पिन लगा दिए,
और पिन लगाने के बाद जो मैं ना दरमियान में इन्हें फ्लावर सॉरी कह रही हूँ, एक सिल्वर शेड में वो था, क्या कहते हैं यार पता नहीं से क्या कहते हैं, बहरहाल ये फ्लावर की तरह ही था, मैंने ना इसे दरमियान में लगाया। आप फ्लावर भी कोई लगा सकते हैं, आप ये जो मैंने सर्कल्स ये बनाए हैं ना, आप इनमें भी छोटे छोटे फूल बीड्स वगैरह लगा सकते हैं, वो ज़्यादा हसीन लगते। लेकिन जनाब जब आपको पता हमारा एंड हो जाता तो सबका ही एंड हो जाता, वो इसलिए कि यार वैसे ही स्टूडेंट प्रैक्टिस भी करती हैं, रश होता है, फिर बच्चे भी तंग करने लग जाते हैं, तो बस फिर जब हेयर स्टाइल की बारी आती है ना तब मेरी बस हो जाती है, क्योंकि एक वीडियो बनाना बहुत आसान काम नहीं है, और स्टूडेंट को भी साथ साथ सिखाना, घर को भी मैनेज रखना, बच्चों को ट्यूशन स्कूल सिपारा, मतलब हर जगह आपको पता है आम बंदे हैं हम, आम जिंदगी है हमारी, कोई चीज़ फेक नहीं है, जो चीज़ है आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो हर किसी की ऐसे ही होती है, ये देखें जी जनाब इनकी फाइनल लुक बहुत ही हसीन लग रही थी, बहुत हसीन लग रही थी, ये देख सकते हैं आप, और अब देख सकते हैं आप ये इनकी लुक कैसी लग रही है। और इंशाल्लाह मैं आईज़ मेकअप ना ज़्यादा करीब से सिखाया करूँगी, मुझे कमेंट आता है यार मैं भूल जाती जब कैमरा लगाती हूँ, मैं कहती बस वीडियो बन जाए, जैसे भी बनाऊँ मैं आपको सिखा लूँ, मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर लूँ, कोई दिन ऐसा ना जाए कि मैं वीडियो मतलब ना अपलोड करूँ। परसों भी नहीं कर सकी थी बस कुछ इशू की वजह से, आज इंशाल्लाह और ट्रांसफॉर्मेशन इनका मैं बनाऊंगी और सुबह अपलोड करूंगी, वो भी आप एंजॉय कीजिएगा। मेरे शॉर्ट्स लास्ट में देखा कीजिए मेरी जान, क्योंकि शॉर्ट्स मैं आपको इसलिए दिखाती हूँ कि ये कमिंग सून आने वाला है मेकअप, तो प्लीज़ उसे भी लाइक किया कीजिए। शॉर्ट्स जो मैं शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ वो मैं रात के टाइम मोस्टली अपलोड करती हूँ, क्योंकि मैं शाम के टाइम बनाती हूँ वीडियो, फिर मैं रात के टाइम मतलब फ्री होके ना, मतलब जब काम वगैरह करके सैलून का सामान वगैरह समेट के, तो आपको पता है फिर सब कुछ अकेली नहीं मैनेज करना होता है, स्टूडेंट होती हैं वो मतलब करवाती हैं, लेकिन जब मैं खुद चीज़ें रखती हूँ तो मुझे मिल जाती हैं, तो इसलिए मैंने स्टूडेंट को मना किया हुआ है कि मैं खुद रखूँगी खुद ही उठाऊँगी, तो इसलिए बस फिर काम वगैरह करके फ्री होती हूँ तो फिर मैं शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, वो मेरे शॉर्ट्स लास्ट में देखा कीजिए, जस्ट बताने का मकसद यही था। अच्छा जी, ये इतने करीब से कैमरा आप देख सकते हैं फाइनल लुक इनकी, बहुत हसीन लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मेरा जस्ट मकसद था आप लोगों को तरीका बताना, आप कोई भी बेस इस्तेमाल कर सकते हैं मेरी जान, इसके ऊपर स्क्रबिंग लाजमी है, टोनिंग लाजमी है, और ऐसी स्किन को मॉइस्चराइज़र की इंतहाई नीड होती है, आपके पास किसी भी किस्म का मॉइस्चराइज़र है तो आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। पहले तो बेटर होगा कि शीट मास्क मिलते हैं वो आप लगा दीजिएगा जो आपको पे करे उनके, नहीं तो आप कोई मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं या सीरम्स वगैरह लगा सकते हैं। जी मुझे तो जल्दी होती है, हमने तो बस मतलब वैसे ही हमने धुलवा देना होता है फेस, तो इसलिए मैं ना ज़रा थोड़ा सा अवॉइड कर जाती हूँ, क्योंकि टाइम भी नहीं होता, कमी पेशी भी होती है टाइम की, तो इसलिए। लेकिन जब आप प्रॉपर क्लाइंट पर काम करें तो आपने जो मैं बता रही हूँ आपने इन्हें फॉलो करना है, सीरम्स वगैरह लगा लेनी है, ताकि हमारी फाइन लाइंस जो होती है ना मतलब उनके अंदर बेस ऐसे बिल्कुल फिल हो जाए और इतनी इन्हेंस ना हो। और अच्छा जी, ये जो मैंने क्या कहते हैं मिस रोज़ का फिनिशिंग फोटो फिनिश प्राइम लगा रहा था, ये बहुत अच्छा है, तो आप ले सकते हैं, बीएम स्टोर से हर चीज़ अवेलेबल है। तो मैंने उन्हें कहा है कि मेरे व्यूवर्स ना आपसे मांगेंगे मिडोरा का फेस लूज पाउडर और जो वाइट जेल आईलाइनर है, इंशाल्लाह वो कह रहे हैं कि मैंने मंगवाया तो मिल जाएगा, तो आप रब्ता कीजिएगा उनके साथ, कोई भी चीज़ की चंकी ग्लिटर्स हो मतलब जो अदर थिंग मैं इस्तेमाल करती हूँ सब चीज़ें उनसे मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। इनकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं आप, ब्राइडल लग रही है माशाल्लाह से, और आपने इनकी एज मुझे किसी एक बंदे ने बताई नहीं है, मुझे एज भी बताएं इनकी क्या है और क्या से मैंने क्या बनाया है, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे लाइक कीजिएगा, मुझे शेयर कीजिएगा, और अपनी दुआ में इतना याद रखिएगा, मैं आप लोगों के लिए दुआ हूँ और आप मेरे लिए, क्योंकि एक फैमिली का जो बंदा होता है ना लड़ता झगड़ता लेकिन एक दूसरे के साथ ही रहता है, एक को कुछ हो जाए तो दूसरे को तकलीफ़ होती है, ऐसा ही होता है ना, तो प्लीज़ आप मुझे मतलब मेरे से प्यार कीजिए और मैं आपसे करूँगी, और आप लोगों के सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप लोगों के सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। इनकी फ़ाइनल लुक आप देख सकती हैं, इनके अफोर्डेबल प्रोडक्ट से मैंने आपको करना सिखाया, ना एसी है मेरे उधर मतलब सैलून में ना कुछ, ठीक है मेरे दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने रिलेटिव्स वगैरह में शेयर करना मत भूलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।